Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in this video, we will be covering the next part of chapter number 3 of ACCA, F5, and the name of the chapter was Cost Volume Profit Analysis. So let's start. So अभी तक जो मैंने कराया था, I hope तुमको समझ आ गया हो. So let's move forward. इसमें जो हम अब पढ़ेंगे, ये जो अपने पहले पढ़ा हुआ है, उसी का थोड़ा सा एक extension. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस. अब मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर एक सिंगल प्रोडक्ट अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे दिस इज प्रोडक्ट ए, सो प्रोडक्ट ए की सेल्स, उसका कंट्रीब्यूशन, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स, ये फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ से मैं पता चलता था कि इस प्रोडक्ट के इस प्रोडक्ट को इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने के बाद हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, और उस लेवल के आगे हम जो भी सेल करते हैं वहाँ से हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा. अब ये तो था एक सिंगल प्रोडक्ट का. अब सोचो हमें प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तीन प्रोडक्ट दिए हुए हैं. हमें तीनों की सेल वैल्यू गिवन है, हमें तीनों का वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, और तीनों का हमें कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है. ठीक है, अब तुम क्या सोचोगे? सर कोई बात नहीं, तीन प्रोडक्ट हैं तो तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे, है ना? तीन प्रोडक्ट हैं, तीनों की अलग अलग निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है इसमें? लेकिन द पॉइंट इज, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है कंपनी की वो कंबाइंड होती है, हमें एक ही फिक्स कॉस्ट दी है. अब जब एक ही फिक्स कॉस्ट दी है, अब हम क्या करें, अब कैसे करें? नॉर्मली तो हम क्या करते थे, नॉर्मली जब हमें वैल्यू निकालनी होती थी, हम तो दिस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन कर देते थे, तो कंट्रीब्यूशन करके हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स आ देते थे. अब कैसे करें? अब इस तीनों कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे तो जो हमारा आएगा दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि उससे जो हमारी वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स तो आएंगे बट कौन से, ए बी सी के, इनके टोटल के, दैट्स नॉट पॉसिबल. ये चीज़ तो निकाल ही नहीं सकते हम. तो जो मैंने तुम्हें बताए थे, तुम्हें याद होगा, ए बी सी डी ई एफ, हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे यहाँ पे एक क्वेश्चन में पिछली वीडियो में, जो मैंने बताया था कि लॉजिकली उसके आंसर्स कुछ और हैं जो मैंने समझाए थे, बट उन्होंने फॉर्मूला कुछ और दिया हुआ है ना. अब जो उन्होंने फॉर्मूला हमें दिया हुआ था, मैंने क्या कहा था कि वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मूला है जो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, यहाँ पे वो फॉर्मूला काम आएगा. उसी फॉर्मूले से ये आंसर निकल सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, दैट मींस टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू. यहाँ से हमारी एक परसेंटेज निकल जाएगी, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू. अब टोटल कंट्रीब्यूशन इसको हम क्यूमुलेटिव लेंगे, मतलब जैसे प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन प्लस प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन प्लस प्रोडक्ट सी का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स, इससे हमारा निकल जाएगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो. इस रेशो को हम फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड करेंगे और वहां से हमें पता चलेगा हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू. अब सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स नॉट रीड दिस, ये चीज़ से अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारे को चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी. सो लेट्स डू दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि कंपनी ए प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर 2 लाख एवरी ईयर, द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स फॉर नेक्स्ट ईयर. ये हमें सेल प्राइस दिया हुआ है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बजटेड सेल्स, ठीक है, और हमें निकालना है हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू. सो अब यहाँ पे जैसे पुराने हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक कि हम बजटेड नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैसे निकालें. सो बजटेड नंबर ऑफ़ यूनिट्स का हमारा जो पहले फॉर्मूला था दैट वाज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, वो चीज़ हम यहाँ नहीं कैलकुलेट कर सकते जब मल्टी प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट में अगर मैं यहाँ पे करूँगा लेट से 2 लाख
डिवाइडेड बाय, अब कंट्रीब्यूशन पहली बात तो एक्स का करूँ या वाई का, कंपनी तो दोनों प्रोडक्ट बना रही है, और फिक्स कॉस्ट हमें तो पता नहीं किस प्रोडक्ट की कितनी है, तो फिक्स कॉस्ट अगर मैं यहाँ डिवाइड बाय इसको 35 करूँ तो मेरी 200,000 डिवाइड बाय 35 इट कम्स टू अराउंड 5714, दैट मीन्स 5714 यूनिट्स मुझे बनाने हैं। तो किसके बनाने, प्रोडक्ट एक्स के, प्रोडक्ट वाई के, दोनों के? दैट्स नॉट पॉसिबल, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं 5714 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5714 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर भले ही मैच कर जाएगा, लेकिन दोनों के सेम नंबर ऑफ यूनिट्स तो बना ही नहीं सकता, है ना? दैट्स नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये जो है दिस इज़ फॉर अ टोटल 35, इतने यूनिट्स के लिए। अगर मेरे को प्रोडक्ट एक्स बनाना है तो मैं 20 से डिवाइड करूँगा, प्रोडक्ट वाई बनाना है तो 15। सो आई कैन नॉट जस्टिफाई दिस मेथड इन अ मल्टी प्रोडक्ट बेस। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। इसका फॉर्मूला हमारा था टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 20, सो 20 × 20,000, दिस इज टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लस 15 × 10,000, ये हो गई मेरी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स 50 × 20,000, प्लस 60 × 10,000, ठीक है? अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, तो मैं फटाफट से आंसर निकाल देता हूँ इसका। तो इसका सीधा सीधा आंसर आता है, कोई भी पॉइंट्स नहीं है, दैट इज 34.375%। मैंने इसको इंटू 100 भी कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये मेरी डायरेक्टली परसेंटेज आ गई, और आई कैन राइट इज 0.3475, आई कैन ऑल्सो राइट दैट। मैंने इतना बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आंसर नहीं है, इतना ही आंसर है, तो अगर ये चीज़ हम यूज़ करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट नंबर ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता चल जाएंगे। अगर ये काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट होता कि 3437589 6, देन आई वुड हैव टेकन इट एज 34.37, बट यहाँ उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा हमारा आंसर है। अब यहाँ से हमें पता चल गया वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। नेक्स्ट जो हम निकालते थे ब्रेक इवन रेवेन्यू। अब ब्रेक इवन रेवेन्यू हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेज एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। तो फिक्स कॉस्ट मेरी क्वेश्चन में कितनी है, 200,000 डिवाइडेड बाय दिस, दैट मींस 0.34375, तो 200,000 डिवाइड बाय 0.34375, सो दैट मींस आई कैन से 58188.2, ये वैल्यू मेरी आ रही है टोटल सेल्स, मतलब टोटल रेवेन्यू जब मेरा इतना होगा, ध्यान से सुना गाइस, टोटल रेवेन्यू जब मेरा इतना होगा, यहाँ पे आके मैं मानूंगा कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, दैट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, समझ आया गाइस? इतने जब मेरी टोटल सेल होगी, टोटल अमाउंट ऑफ सेल, यहाँ आके मैं मानूंगा दैट मींस मेरा आया नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पे भी तुम मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये तो आपका आंसर ठीक है, चलो मुझे समझ आ गया, लेकिन यहाँ से मैं कैसे ये चीज़ मानूँ कि हम कौन सा प्रोडक्ट कब बेचेंगे, या कौन सा प्रोडक्ट पहले बेचेंगे, या एक्स प्रोडक्ट कितना सेल होगा, वाई प्रोडक्ट कितना सेल होगा, दिस आई डोंट नो। इसका मतलब मैं नहीं बता रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ ये चीज़ तुम्हें नहीं पता, तो हाउ टू गेट द आंसर ऑफ दिस। तो यहाँ से हम आंसर क्या निकालेंगे कि टोटल जो सेल है मेरी, टोटल जो सेल आ रही है, इसको मैं प्रोरेट कर दूंगा इन द रेशो ऑफ माय बजटेड सेल्स जो मैं बना रहा हूँ। मेरी बजटेड सेल है 20:10, दैट मींस 2:1 की रेशो में मैं इसको डिवाइड कर लूँगा, दैट मींस जब इस वैल्यू को मैं 2:1 में डिवाइड करूँगा इंटू 2/3, ये आ रहा है मेरा 387878, ये आ रहा है प्रोडक्ट एक्स की सेल, और इंटू 1/2 कर लूँगा, सो दिस इज़ 193939, ये आ रही है मेरी प्रोडक्ट वाई की। अब वाई की मेरे को सेल पता लग गई कि टोटल इतनी सेल होगी, एक्स की इतनी,
टोटल सेल वैल्यू हमें पता है, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के बाद हमारी इतनी ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आएगा। तो सिंपल, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, लेट्स से इसको मैं डिवाइड करता हूँ 50 से, तो 387878 डिवाइड बाय 50, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट मुझे प्रोडक्ट एक्स के 7758 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसी वाई के यूनिट्स आ जाएंगे कि इतने यूनिट्स बनाने के बाद मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आऊँगा। तो यहाँ से पहले मैंने क्या निकाले, अपने मेथड से मैंने निकाला वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन सेल्स, उससे मैंने निकाला अपना ब्रेक इवन रेवेन्यू, और जो ये मेरा रेवेन्यू आया इसको मैंने प्रोरेट कर दिया अपने बजटेड सेल्स में। यहाँ बजटेड सेल्स है 2:1, तो 2:1 में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उससे पहले निकाल दिया नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ देखा जाए देयर आर लॉट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मुझे इतना मैक्सिमम प्रॉफिट, इतने सेल पे मुझे प्रॉफिट आएगा। तो अब इतनी सेल कौन सी करूँ मैं, सारी एक्स की करूँ, सारी वाई की करूँ, आई डोंट नो, सो आई विल वर्क लाइक दिस। ठीक है, ये होता है हमारा मल्टी प्रोडक्ट में जब हम आंसर निकालते हैं। तो इन्होंने ऐसे आंसर निकाला हुआ इस चीज़ का, इसमें कुछ और खास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस्टैब्लिशिंग अ टारगेट प्रॉफिट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट, ये सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ बस इसी तरीके में अगर हमें इसको करना है तो फिक्स कॉस्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो मेरा प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट में मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा और उसके बाद डिवाइड कर दूंगा। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि टोटल मुझे इतनी सेल करनी पड़ेगी, टोटल सेल वैल्यू, तभी जाके मेरे को फिक्स कॉस्ट प्लस इतना प्रॉफिट आएगा। और सेम उस वैल्यू को भी आई विल बायफर्केट इन जो मेरी रेशियो थी 2:1। सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी तरीका बिल्कुल जैसा वहाँ था, कुछ भी चेंज नहीं है, इट्स एग्जैक्टली द सेम जो हमने अभी तक करा है। अब ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन एक बार देखो, दिस इज़ थोड़ी सी डिफरेंट। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, पिछले क्वेश्चन में वी डिड कि कंपनी दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, मतलब कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं बना रही, कंपनी इज़ मेकिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन देखो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, तभी मैं करा रहा हूँ, यहाँ से तुम्हें समझ आएगा, क्वेश्चन करके चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं ऑफकोर्स। मुरे लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आइटम फॉर चिल्ड्रन, बॉल्स इन बैचेस एंड मिनिएचर रैकेट्स। ओके, अ बैच ऑफ बॉल सेल्स फॉर 8 एंड हैज़ अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5, दैट मीन्स अगर मैं लिखूँ यहाँ पे बॉल, अच्छा इन्होंने लिखा हुआ, चलो कष्ट, बॉल रैकेट, सेलिंग प्राइस लिख दिया, वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, आगे फॉर एवरी 2 बैच ऑफ बॉल सोल्ड 1 रैकेट इज सोल्ड, मतलब इन्होंने यहाँ पे हमें एक रेशो बता दी कि जब 2 रैकेट बॉल सेल होती है तो हमारा साथ ही एक रैकेट भी सेल होता है, मतलब हम सारी बॉल्स नहीं सेल कर सकते, हम सारे रैकेट नहीं सेल कर सकते, 2 बॉल पे एक रैकेट सेल होता है। मुर्रे बजटेड फिक्स कॉस्ट ऑफ दिस बजटेड सेल्स रेवेन्यू फॉर नेक्स्ट 2 पीरियड इज दिस इन अ स्टैंडर्ड मिक्स, कि ये उसका अगले सालों का इतना उसने रेवेन्यू मॉडल बनाया, तो हमें ये देखना है कि क्या इसमें हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि सेलिंग प्राइस इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी बजटेड सेल्स कितनी है। तो हमने बजटेड सेल्स का आंसर निकाला कैसे, अब देखो यहाँ पे इन्होंने निकाला कॉन्ट्रीब्यूशन मिक्स। अब इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से निकाला, जैसे हमने क्वेश्चन करा था, पुराने वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना गाइस, हमने जब क्वेश्चन करा था प्रोडक्ट वाला, उसमें हमें दोनों की कोई लिंकेज नहीं दी हुई थी, वी वर नॉट गिवन एनी लिंकेज कि कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करना है, तो इसीलिए हमने उस प्रोडक्ट के बारे में दोनों का अलग मेथड से अपना आंसर निकाला, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में कोई लिंकेज नहीं पता थी। यहाँ हमें लिंकेज पता है कि 2 अगर बॉल बिकेंगी तभी एक रैकेट बिकेगा, तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे अपना आंसर निकालें, ध्यान से देखना हाउ विल आई कैलकुलेट द आंसर, हम निकालेंगे अपना ब्रेक इवन बैचेस, मैं ब्रेक इवन बैचेस निकालता हूँ कि कितने बैच पे मेरा ब्रेक इवन आएगा, सो आई कैन टेक आउट ब्रेक इवन बैच कैसे, देखो अब ब्रेक इवन बैच में ऊपर आएगा, सबसे पहले आता है हमारा फिक्स कॉस्ट,
और नीचे हमारा क्या आता है, नीचे हमारा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह आई हैव टू टेक कॉन्ट्रीब्यूशन पर बैच। अब बैच से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है, एक बैच में दो लगती है बॉल्स, एक लगता है रैकेट, दैट मीन्स बॉल में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है 3, तो 3 × 2 दैट मीन्स एक बैच में 6 हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा बॉल्स का, और रैकेट में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 1.40, तो 1.40 मेरा रैकेट में कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स टोटल बैच में जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज 7.40। दोबारा मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि मुझे एक बैच में पता है 2 बॉल 1 रैकेट का बैच है, और टोटल बैच जब मैं सेल करूँगा, मैंने टोटल बैच निकाल लिया, तो उसमें मुझे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। सो एक बॉल पे 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमारे दो बॉल्स के बैचेज लगते हैं, एवरी 2 बैचेज बॉल सोल्ड 1 रैकेट इज सोल्ड, 2 बैचेज ऑफ बॉल सोल्ड होते हैं तो हमारा 1 रैकेट सेल होता है, तो एक बॉल के बैच पे हमारा प्रॉफिट कितना है 3। अब हम जब हम 2 बैचेज ऑफ बॉल सेल करते हैं तब हमारा 1 रैकेट सेल होता है। सो दैट मीन्स हमारा एक बॉल के बैच पे मार्जिन है 3, तो हम जब 2 बॉल के बैच सेल करेंगे तो हमारा मार्जिन हो जाएगा 6, और 1 रैकेट साथ में जाएगा जिसका मार्जिन है ये, दैट मीन्स टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जब पूरा एक सिस्टम, इसको हम सिस्टम नाम देते हैं रादर देन बैच, क्योंकि यहाँ पे बैच लिखा हुआ है, एक पूरा सिस्टम यानी इसको बोलते हैं मिक्स, एक पूरा मिक्स जब सेल होता है तो उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है 7.40। फिक्स कॉस्ट मेरी है 4,07,000 / 7.40, तो 4,07,000 / 7.40 दैट मीन्स मुझे पता चला है कि मेरे 55,000 मिक्स सेल होंगे, 55,000 मेरे मिक्स सेल होंगे। अब 55,000 मेरे आगे मिक्स, एक मिक्स में कितने बैच ऑफ बॉल्स हैं, 2, तो दैट मीन्स कितने बॉल्स के बैच सेल होंगे, 55,000 बैचेस में हर बॉच में हर मिक्स में 2 बैचेस ऑफ बॉल्स होते हैं, दैट मीन्स 1,10,000 मेरे बॉल्स के बैचेस होंगे, और एक रैकेट गया था तो एक मिक्स में 1 रैकेट है, दैट मीन्स इतने का मेरा रैकेट। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली पता लग गया कि मेरे कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं और कितने नंबर ऑफ रैकेट्स हैं, कितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं, कितने नंबर ऑफ रैकेट्स हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ आई कैलकुलेटेड माई कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज़ आई कैलकुलेटेड नंबर ऑफ़ यूनिट्स। अब यहाँ पे अगर मुझे निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के हिसाब से निकाल लेते हैं। सो 1,10,000 मेरे बॉल सेल होंगी, ठीक है, 1,10,000 मेरी बॉल सेल होंगी, एक बॉल का सेलिंग प्राइस है 8, सो इनटू 8, और रैकेट का सेलिंग प्राइस है 4, दैट मीन्स 8,80,000, और 55 × 4 दैट मीन्स 2,20,000, सो दैट मीन्स मेरा जो टोटल मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पे दैट इज 11 लाख का टोटल मेरी सेल वैल्यू आ गई कि इतने रेवेन्यू पे आके मुझे होगा प्रॉफिट। और मैंने टोटल सेल कितनी करी है, 12,50,000, तो मैंने टोटल सेल करी 12,50,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारा फॉर्मूला क्या था, जितना मैंने एक्चुअल सेल किए माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स, यही था गाइस फॉर्मूला, मुझे तो याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। तो दैट मीन्स 125 into 100 भी होता है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 12%। सो माई आंसर दैट इज कमिंग इज 12%, ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ इसको अच्छे से तुम्हें समझना है, ठीक है। सो ये हमारा तरीका होता है जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट के बीच में कोई लिंकेज दिया हुआ है तो हम उस लिंक से अपना एक यूनिट बना लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने यूनिट बना लिया था 2:1, और उसके बाद मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के अपना आंसर निकाल दिया। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि कितने प्रोडक्ट एक्स पे कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स वाई बिकते हैं, तो कुछ भी मिक्स हो सकता है, तो यहाँ हम यूनिट्स एज सच डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट यूनिट्स।
गॉट इट गाइस? चलो इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, इसको थोड़ा जल्दी करते हैं बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि इस पार्ट पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँ. नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ. अब मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ क्या होता है? जैसे मैं तीन प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेट से ए बी सी. जस्ट अभी तुम्हें अलग तरीके से सोचना है, बिल्कुल अलग, जो हमने करा उससे बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट. अभी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ ए बी एंड सी, ठीक है. उसके बाद ये है मेरा सेल्स रेवेन्यू के टोटल जो मैं सेल्स रेवेन्यू कर रहा हूँ, ठीक है. अभी इसको अलग तरीके से हम समझेंगे इस चार्ट को. ये चार्ट नॉर्मल चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है. तो ये आएगा मेरा टोटल सेल्स रेवेन्यू के कितनी सेल्स रेवेन्यू पे. इस चार्ट से मुझे पता चलता है कि प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट के कितनी सेल्स रेवेन्यू पे आके मेरा कितना प्रॉफिट होता है, कितनी सेल्स रेवेन्यू पे आके मेरा कितना प्रॉफिट होता है, वो मुझे इस चार्ट से पता चलेगा. अब सबसे पहले इस चार्ट को बनाने का तरीका क्या होता है? सो गाइस, ये चार्ट क्या होता है हमारा, ध्यान से देखना. ये चार्ट में ये जो हमारी एक्सिस हैं, दैट इज़ फॉर प्रॉफिट, दिस इज़ फॉर सेल्स, दिस इज़ फॉर प्रॉफिट. अब होता क्या है, जैसे हमें क्वेश्चन में जब दिया होगा कि हमने एक्स यूनिट्स इतने 33 यूनिट्स ए बी सी, जैसे मैंने बताया था, मैंने 40,000 ए बनाए हैं, 30,000 बी बनाए हैं, 60,000 सी बनाए हैं, लेट्स से, ठीक है. इनका मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन भी पता होगी, इनकी मुझे सेल्स भी पता होगी. आई नो दी कॉन्ट्रीब्यूशन, आई नो दी सेल्स. तो सबसे पहले वॉट आई विल डू, ध्यान से सुनना, सबसे पहले इट्स प्रिटी लॉजिकल, कंपनी विल मेक दैट प्रोडक्ट जिसमें उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. अगर ऐसे तीन अलग अलग ऑप्शंस हैं, कंट्रीब्यूशन सेल है, तो कंपनी विल डेफिनेटली मेक द प्रोडक्ट जिसमें उसको सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा. तो कंपनी क्या करेगी, लेट्स से कंपनी ने रैंकिंग है 1, 2, 3 के सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ए में, देन है बी में, देन है सी में, ठीक है. तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले ध्यान से सुनना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना सबसे मुश्किल है, और जैसे ही समझ आ गया बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इसमें. कंपनी ने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी जब सेल नहीं करी, तो सेल्स रेवेन्यू है ज़ीरो, बिल्कुल सेल्स रेवेन्यू इज़ लाइक दिस, जैसे ये मिलियंस में जाएगा सेल्स रेवेन्यू, जो भी हमारी वैल्यू आती है, जैसे 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जो भी है, और ये सारा जो है हमारा, दिस इज़ प्रॉफिट या लॉस. ऊपर होता है प्रॉफिट, नीचे आएगा लॉस. इस पॉइंट पे आके कंपनी का सेल रेवेन्यू है ज़ीरो, कोई भी सेल नहीं हुई किसी भी, दिस इज़ नॉट इन यूनिट, दिस इज़ इन डॉलर, डॉलर में कोई भी सेल नहीं हुई. तो जब कोई भी सेल यहाँ पे नहीं हुई, दैट मींस कंपनी का सारा फिक्स कॉस्ट का खर्चा है. तो एक पॉइंट लेट से मैं यहाँ डालूँगा कि ये है कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा. क्या है ये, फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा, कि अभी तो ये सारे एक्सपेंस हैं. उसके बाद क्या होगा, कंपनी जब ये सारे यूनिट्स बना लेगी तो कंपनी को एक सर्टेन रेवेन्यू आएगा. तो दिस इनटू सेल्स जो रेवेन्यू आएगा, लेट से वो रेवेन्यू यहाँ आ रहा है, आई विल मार्क इट हियर, कि यहाँ इसका कलर रेड का आई विल मेक इट अ बिट, ये कर लेते हैं. सो यहाँ पे आके इतने नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब एक ए के 40,000 इंटू जो उसकी सेल वैल्यू है, इतनी सेल वैल्यू पे, अब दूसरा मेरा पॉइंट बनेगा, इतनी सेल वैल्यू पे, ध्यान से सुनना, इतनी सेल वैल्यू पे मेरा प्रॉफिट कितना आएगा. तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, या आता है मेरा प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट. अब पहले पहले तो मेरा फिक्स कॉस्ट का खर्चा था ये सारा का सारा. उसके बाद क्या हुआ, जब इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैंने सेल किए, तब तो मेरा जो ये फिक्स वो थी फिक्स कॉस्ट कम ही होगी, क्योंकि मैंने कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा, लेट से जब मैंने इतनी सेल करी, तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट लेट से पहले थी 100, जस्ट अ रैंडम फिगर, 100 मेरी फिक्स कॉस्ट थी. जब मैंने इतने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल करे, तो मेरा अभी तक जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है लेट से वो आया है 70. तो जब 70 का मेरा कंट्रीब्यूशन आया है, तो 70 माइनस 100, अब मेरा 30 का लॉस रह गया. पहले मेरा लॉस था 100 का, आज मेरा नेट लॉस कितना रह गया, 30.
तो एक मैं ग्राफ यहाँ बनाऊंगा कि इतनी सेल्स में मेरा नेट लॉस रह गया 30। तो एक लाइन मेरी ऐसे जाएगी, दैट मीन्स दिस इज़ प्रोडक्ट ए, कि प्रोडक्ट ए को जब मैंने सारे यूनिट्स उसके सेल कर दिए तो मेरा जो प्रॉफिट था, ये जो प्रॉफिट वाला ग्राफ है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये प्रॉफिट वाला, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, वो एक्चुअली प्रॉब्लम आएगी, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ एंड लेट्स डू इट लाइक दिस, ऐसे ये कर लेता हूँ। ठीक है, 30 को ओ और इधर कर लेता हूँ, रुको, ऐसे, दिस इज़ गुड। तो अभी तक मैंने क्या समझा कि इस पॉइंट पे जब मैंने इतनी सेल्स करी तो कंपनी के प्रॉफिट भी कुछ आए थे, तो फिक्स कॉस्ट में से मैंने प्रॉफिट माइनस करे, इतनी सेल्स पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट मीन्स ए प्रोडक्ट जब मैंने सेल करा तो कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच के अभी भी नेगेटिव में, नेगेटिव फिगर होती है -100, तो -30 कंपनी के हो गए प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पे। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद कंपनी बनाएगी वो प्रोडक्ट जिसमें कंट्रीब्यूशन कम है, तो जिसमें कंट्रीब्यूशन कम है, इससे कम है, उसका प्रॉफिट भी होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न होगा, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा स्लो पेस पे अर्न होगा। तो क्या होगा, अब नेक्स्ट जब मैंने यूनिट्स बनाए, अभी तक मैंने प्रोडक्ट ए सेल किया था उससे इतनी टोटल सेल हुई थी, अब लेट्स से मैंने जब प्रोडक्ट बी सेल किया तो मेरी टोटल सेल होगी इतनी, प्रोडक्ट ए की सेल प्लस प्रोडक्ट बी की टोटल सेल, एक तो टोटल सेल आ गई। अब फिक्स कॉस्ट तो मेरी 100 ही थी, अब कंट्रीब्यूशन पहले मेरा आ रहा था 30 ए से, लेट्स से मेरा बी से कंट्रीब्यूशन आ गया, प्लस मेरा बी का कंट्रीब्यूशन सॉरी 100 मेरी थी फिक्स कॉस्ट, अभी तक जो मेरे टोटल इनकम थी, टोटल प्रॉफिट आए थे ए को सेल करके, दैट वॉज 70, तभी मेरा 30 का वो आया था, क्या कहते हैं लॉस, कि ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन था इसके इस की सेल में, और इतना मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट था, तो मेरा नेट लॉस रह गया था 30। अब जब मैंने ये बी सेल किया तो मुझे और, लेट से मैंने बी सेल किए 30,000, अभी बस वैसे ही रैंडम फिगर बता रहा हूँ, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, तो अगर मैंने बी सेल किए तो लेट से मुझे 60 का कंट्रीब्यूशन और मिल गया, तो 60 का कंट्रीब्यूशन और आ गया, तो कंट्रीब्यूशन पहले, अब पहले कंट्रीब्यूशन करके मेरा लॉस आ रहा था 30 का, अब 60 का और कंट्रीब्यूशन आ गया, दैट मीन्स अब मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ 30 के प्रॉफिट में। तो जब मैंने सेकेंड सेल पूरी करी तो सेकेंड सेल के बाद मैं इतने प्रॉफिट में आ गया, तो उसके बाद मैं एक ये लाइन ड्रॉ करूँगा, सो दिस विल बी लाइन बी। इसका मतलब क्या है कि बी, ए और बी को सेल करने के बाद मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ, मतलब इस चार्ट से हम क्या समझेंगे, इतनी सेल के बाद हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, इतनी टोटल सेल करने के बाद ए और बी की हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स हमें प्रॉफिट, हम प्रॉफिट सिचुएशन में आ गए। अब जब मैं सी सेल करूँगा, सी में मेरे को प्रॉफिट सबसे कम है, तो जैसे ही जब मैं सी सेल करूँगा हमारा ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, मतलब ये पैरेलल नहीं आएगी, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस, लेकिन ऐसा सा ग्राफ बनेगा, हमारा ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। ठीक है, ये कर्व बनता है, वाई दिस कर्व, क्योंकि ए प्रोडक्ट में हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो प्रॉफिट भी इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें, बी में हमें कंट्रीब्यूशन कम है तो प्रॉफिट रेंज कम होगी, सी में कंट्रीब्यूशन और भी कम है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट रेंज कम होगी, तो हमारा ग्राफ हमेशा बनता है ऐसे। अब इस ग्राफ के थ्रू अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट देखना है तो हम इस लाइन को और इस लाइन को एक स्ट्रेट लाइन इनके बीच में ड्रॉ करेंगे, ये हमारा बनेगा ब्रेक इवन पॉइंट, दिस विल बी दी ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये मैंने तुम्हें एक बार समझाया, थोड़ा डाउट हुआ होगा, मैं तुम्हें इनका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ये देखो, अब इनका सॉल्यूशन क्या है, दिस इज़ प्रॉफिट अर्नड, दिस इज़ टोटल सेल्स रेवेन्यू इन डॉलर्स। तो जब इन्होंने ये KM, मतलब जब पहला प्रोडक्ट सेल करा, तो पहला प्रोडक्ट सेल करने के बाद इनका ये थी इनकी टोटल फिक्स कॉस्ट, या आगे टोटल फिक्स कॉस्ट, तो पहला प्रोडक्ट सेल करने के बाद इनका टोटल जो प्रॉफिट है वो इतना रह गया। जब प्रोडक्ट बी सेल किया, सेकंड प्रोडक्ट सेल किया, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। जब प्रोडक्ट सी सेल किया तब इनका प्रॉफिट यहाँ पे आया।
तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर ब्रेक इवन पॉइंट तो ये भी हो सकता है, दिस कैन नॉट बी अ ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है इस तरीके से कि अगर हम ऐसे लेके चल रहे हैं, हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि पहले ए बी के का फिर बी फिर सी, लेकिन अगर हमें नेट ब्रेक इवन पॉइंट देखना है सेल्स का, दैट विल बी हेयर, कि जब हम एक नॉर्मल एवरेज निकाल देंगे, एक नॉर्मल एवरेज निकाल के दिस इज आर एवरेज ब्रेक इवन पॉइंट, दिस विल बी द एवरेज ब्रेक इवन पॉइंट, एक्चुअल यही होगा अगर कंपनी ये मेथड फॉलो करे, जबकि कंपनी नहीं करती, बट हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाएगी, बी और सी बनाएगी, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कंपनी को तीनों बनाने पड़ेंगे साथ साथ। तो हम तीनों चीज़ों को ग्राफ में प्लॉट करके वी विल मेक अ लाइन लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा होता है प्रॉपर चार्ट। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जो हमने फॉर्मुलेस करे थे ऊपर, ये सारे फॉर्मुलेस तुम्हें आते हैं, इसके तुम क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें सिर्फ जो रह गया है वो रह गया है ये चार्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है ये चार्ट बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, मैं तुम्हें इनका एक क्वेश्चन है, दिस इज़ अ क्वेश्चन, इसमें इन्होंने बोला हुआ है ड्रॉ अ मल्टी प्रोडक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट अज्यूमिंग द बजट इज अचीव्ड। अब मुझे इसमें चार्ट बनाना है, सो आई विल मेक अ चार्ट हेयर, सो लेट्स मेक अ चार्ट। तुम चार्ट देखना मैं कैसे बनाता हूं, और देखना चार्ट से तुम्हें समझ आता है कि नहीं। इसको रब कर देता हूं, देखो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, तीन प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, बजटेड सेल वॉल्यूम। अब हमें अभी कुछ नहीं ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह कुछ नहीं निकालना, क्योंकि हम चार्ट यूज़ करके ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इतना इतना इतना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एक्स में, उसके बाद कंट्रीब्यूशन है वाई में, फिर कंट्रीब्यूशन है जेड में। दैट मीन्स सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाएंगे एक्स, देन वाई, देन जेड चार्ट में। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखो फिक्स्ड कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में कितने गिवन है, $450,000, ये मुझे फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। कंट्रीब्यूशन जब मैंने बजटेड सेल्स एक्स के बनाए, दैट मींस 50,000 इंटू 11, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे कितना आया, 5,50,000। जब एक्स मैंने सेल किया तो मेरे को कंट्रीब्यूशन कितना आया, 5,50,000। फिक्स कॉस्ट मेरी थी 4,50,000, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 1,00,000 का मेरा आने लग गया प्रॉफिट, 1,00,000 का मेरा गाइस यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। पहली स्टेप के अंदर, पहले स्टेप में जब मैंने एक्स बनाया तो एक्स में इतना मेरा आया कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट सारी निकल गई पहले इसी की सेल में, सारी फिक्स कॉस्ट निकल गई, और ये मेरा फिक्स, ये जो यूनिट थे जब मैंने 50,000 इंटू 11 बनाए, टोटल मेरे को प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, ये आया 5,50,000। फिक्स कॉस्ट थी 450, दैट मींस सारी की सारी फिक्स कॉस्ट मेरी एक ही प्रोडक्ट से निकल गई, दैट मींस ये आ गया मेरा प्रॉफिट। यहाँ पे मेरी सेल कितनी हुई है, सेल इज 16 इंटू 50,000, दैट मींस टोटल 8,00,000 की सेल में, टोटल 8,00,000 की सेल में मैंने 1,00,000 का प्रॉफिट कमाया, पहला स्टेप। अब मैंने जब प्रोडक्ट एक्स बेचा पूरा, अब इसके बाद वाई में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो जब मैं एक्स बेचने के बाद जब वाई सेल करूँगा तो वाई में क्या होगा, एडिशनल कंट्रीब्यूशन 1,00,000 × 5, 5,00,000 का मुझे एडिशनल कंट्रीब्यूशन आएगा। फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी इसमें से निकल गई ना, फिक्स कॉस्ट खत्म होगी, पहले इतना प्रॉफिट हो गया, अब मैंने 5,00,000 का इसमें से और प्रॉफिट अर्न किए, तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 6,00,000। टोटल प्रॉफिट इज 6,00,000, वाई की सेल करने के बाद टोटल प्रॉफिट मेरा हो गया 6,00,000, और टोटल सेल वैल्यू विल बी 1,00,000 × 20, दैट मींस 1,00,000 × 20, 20,00,000 की मैंने और सेल करी, दैट मींस टोटल 28,00,000 पे, टोटल 28,00,000 पे मेरा 8,00,000 का प्रॉफिट, ओ सॉरी 6,00,000 का प्रॉफिट है, टोटल 28,00,000 की सेल पे मेरा 6,00,000 का प्रॉफिट है। अब जब मैंने उसके बाद जेड प्रोडक्ट पूरा सेल किया तो जेड में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1,00,000 × 3, 3,00,000 का कंट्रीब्यूशन है, तो पहले कंट्रीब्यूशन था 6,00,000, 6 + 3, अब 9,00,000 का मेरा हो गया और टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मेरा हो गया 9,00,000।
कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर आपने फिक्स कॉस्ट यहाँ से क्यों नहीं माइनस करी, आपने सिर्फ यहाँ क्यों माइनस करी, यहाँ भी तो माइनस होगी। गाइस अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, मैं तीनों यूनिट्स प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, तो जब मैं तीनों प्रोडक्ट बनाऊँगा तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, मेरा तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट एक बार ही माइनस करूँगा ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कंबाइंड है तीनों के लिए, पूरी फैक्ट्री की, पूरी ऑफिस की फिक्स कॉस्ट है। तो तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल करने के बाद मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूँगा। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, जब एक प्रोडक्ट सेल किया उसमें ही फिक्स कॉस्ट सारी कवर होगी, अगर नहीं होती तो ये नेगेटिव आता, फिर इसमें पॉजिटिव आ जाता। तो पॉइंट इज सिंपल, मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया पहले की सेल से ही, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। दिस इज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, आई शुड से टोटल प्रॉफिट एंड टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट। अब टोटल रेवेन्यू भी देख लेते हैं, जब हमने जेड सेल किया 1 लाख × 10, टोटल 10 लाख की और सेल करी तो 28 लाख, टोटल 38 लाख की सेल में हमें हुआ 9 लाख का प्रॉफिट। ठीक है गाइस, ये समझ आया, टोटल 38 लाख की सेल में हमें हुआ 9 लाख का प्रॉफिट। अब इसका मैं और कुछ मुझे नहीं चाहिए, लेट्स मेक दी ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, अभी साइज थोड़ा बड़ा है इसका, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। दिख रहा है, एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा पेन भी पतला करता हूँ, इसका पेन मोटा हो गया, तुम्हें देखने में दिक्कत आएगी। ओ ओ ओ ओ जीन स्टाइल, वाओ, ठीक है हो गया सही। अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ, तो आई विल मेक अ ग्राफ, दिस इज माय प्रॉफिट। अरे ये भी मोटी आ रही है, मोटी मोटी, ये है हमारी प्रॉफिट वाली लाइन और ये है हमारी सेल्स वाली लाइन। सो प्रॉफिट में वैसे देख लेता हूँ 6 लाख 9 लाख, तो 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 में करते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। सो दिस इज -2 -4 -6 -8 -10 +2 +4, या सीधा सीधा 2 4 6 8 10, ये मैंने लिख दिया प्रॉफिट्स इन लैक्स, तो ये आ जाएगा इन लैक्स, तो प्रॉफिट इन लैक लिख दिया। अब सेल जो हमारी है लास्ट आ रही है 38, तो हम 5 कर लेते हैं, 5 10 15 20, अच्छा 5 ज़्यादा ही छोटी हो जाएगी, 4 38 है ना, 4 कर लेते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, वाओ, 4 8 12 16 20 24 28 32 34 36, दिस ऑल्सो, दिस आर ऑल्सो इन लैक्स। ये भी, अब ये है मेरा प्रॉफिट इन लैक, ये है मेरा सेल्स रेवेन्यू, एक सेकेंड गाइस, पेन ज़्यादा ही मोटा है ये, दिस इज सेल्स रेवेन्यू इन लैक्स। ठीक है, अब देखो मैं इस चार्ट में कैसे कैसे पहले प्लॉटिंग करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना गाइस। मैंने चार्ट बना लिया, अमाउंट मैंने मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट जा रहा था 9, तो मैंने हाईएस्ट 10 तक ले लिया, सेल मेरी जा रही थी हाईएस्ट 38, तो मैंने इसी में फिक्स करने के लिए ये 34 की 38 आएगी, तो 38 मेरी, नहीं रुको, 32 36 40 आएगी, सॉरी, तो 40, तो मैंने 40 के आसपास यहाँ पे अपनी मैक्सिमम सेल पे ले गया। इवन है सारे नंबर्स, मतलब इवन इन द सेंस इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ध्यान से देखो, पहली मेरी सेल थी 8 लाख की, तो 8 लाख की सेल्स पे मेरा प्रॉफिट ही हो गया था 1 लाख, तो 1 लाख का प्रॉफिट मतलब अप्रॉक्सीमेटली है, तो पहला पॉइंट मेरा क्या बन गया, ये वाला। जब मेरी सेल्स थी 0 सेल्स पे मेरी फिक्स कॉस्ट थी 4 लाख 50, दैट मीन्स स्टार्टिंग में
मेरा 4,50,000 का लॉस होगा कि जब सेल ही नहीं है तो मेरा 4,50,000 का लॉस होगा। जब सेल ही नहीं है मेरा 4,50,000 का लॉस था, जब मैंने 8,00,000 की सेल करी मेरा प्रॉफिट सिचुएशन आ गई 1,00,000 की, तो ये आ गया 1,00,000। तो पहली लाइन मेरी आ गई ऐसे, सो दिस इज़ जब मैंने प्रोडक्ट एक्स सेल किया, एक्स प्रोडक्ट सेल किया तो मैं सिचुएशन यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगली टोटल सेल रेवेन्यू इज़ 28,00,000। 28,00,000 मतलब यहाँ इधर आके मेरा प्रॉफिट हो गया 6,00,000। तो 6,00,000 मतलब एक तरह से मैं ग्राफ बनाता हूँ, एक सेकेंड गाइस, पेज टेम्पलेट, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, अरे वाह ये आ गया ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे 28,00,000 की जब मैंने सेल करी तो मेरा प्रॉफिट पहुँच गया था 6,00,000। तो 6 इनके यहाँ पे आ रहा है, तो 6,28,000 दैट मीन्स समवेयर हेयर। तो जब मैंने प्रोडक्ट Y को भी सेल कर दिया तो मेरी लाइन आ गई ऐसे, सो Y को सेल करने के बाद मेरी लाइन ऐसे आ गई। जब मैंने Z को सेल किया तो टोटल प्रॉफिट हुए मेरे 9,00,000 और टोटल सेल थी 38। तो 38 मतलब यहाँ पे मेरे प्रॉफिट थे 9,00,000। सो 9,00,000 इज बिल्कुल इसका मिडल, सो इस वाले का मिडल, यहाँ से इसका मिडल, दैट मीन्स यहाँ, सिक्स लाख ये ठीक है, एक सेकेंड ये लाइन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ठीक है, ये एक्चुअली ये ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे। उसके बाद अब जब मैंने जेड सेल किया तो ये लाइन थोड़ी सी इनके बीच में थोड़ी सी नीचे आएगी, बिल्कुल ज़रा सा फ़र्क है, बिल्कुल माइनर माइनर सा। तो 38,00,000 की सेल में मेरी ये लाइन, अब इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सो ये लाइन आ गई ऐसे, ये लाइन आ गई मेरी ऐसे, सो दैट मीन्स जेड। सो दैट मीन्स एक्स जब मैंने सेल करा तो एक्स की सेल के बाद ही मैं प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ गया 1,00,000 की। उसके बाद जब वाई को भी सेल करा तो मेरे प्रॉफिट हो गए 6,00,000 और जेड को सेल करने के बाद मेरे प्रॉफिट हो गए 9,00,000। समझ आएगा इस सबको? प्लीज़ ये चार्ट अच्छे से समझना, जिसको भी डाउट हो एक बार ये वीडियो दोबारा देख लेना, ये कैसे करा, ये कैसे करा, 2-3-4 बार देखोगे अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता प्लीज़ मुझे ग्रुप में लिखना, जो मेरा F5 का ग्रुप है, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ लिखना, मैं दोबारा से इसकी वीडियो ग्रुप में करा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, बट नॉर्मली मैंने बताया था ऐसा होता नहीं कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है दूसरा नहीं बनाती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जब मैं यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। अच्छा टेढ़ी बन रही है, अरे इट्स लाइक दिस, जो भी है, ठीक है। तो यहां मेरा आएगा ब्रेक इवन पॉइंट, दिस विल बी माई ब्रेक इवन पॉइंट। हालांकि ये चार्ट में ऑब्वियसली मैंने रफ चार्ट बनाया है, दिस इज़ अ रफ चार्ट, तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, तो अभी इसको बेस तुम मत मानो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट। हालांकि इनका जो आंसर ब्रेक इवन पॉइंट का रहा है दैट इज़ 10,00,000, बट मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आएगा क्योंकि मैंने चार्ट ऑब्वियसली बेयर हैंड से बनाया है। मैंने प्रॉपर यहाँ पे देखो गैप्स, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, इधर ज़्यादा इधर कम है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा। लेकिन द पॉइंट इज़ ग्राफ बनाने का तरीका, ग्राफ समझने का तरीका ये है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक अ ग्राफ। जो वो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में तुम बाकी चीज़ें कर सकते थे। ये जो क्वेश्चन था, आई विल शो यू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है, आई विल शो यू, इसमें तुम्हें निकालना है वेटेड एवरेज, ये तुम कर लोगे, ब्रेक इवन ये कर लोगे, मार्जिन निकाल लोगे, टोटल रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट ऑफ प्रॉफिट ये भी निकाल लोगे। ये सारे फॉर्मूले हमने ऊपर कर लिए, सिर्फ ये ड्राइंग वाला रह गया था, ये मैंने तुम्हें करवाया। अब देखो यहाँ पे इनका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इनके सॉल्यूशन से ये ब्रेक इवन ग्राफ का, इनका सॉल्यूशन मत पढ़ना, ये बहुत वो कंफ्यूजिंग है। जैसा मैंने बनाया था वो बहुत बेटर है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, है वही चीज़, बिल्कुल वही चीज़ है। गाइस दो चीज़ पहले मैं बताता हूँ, इन्होंने क्या गड़बड़ की है, बहुत बड़ी गड़बड़ है जिनकी वजह से इनका पूरा क्वेश्चन बदल गया। आई टुक दिस थिंग, ठीक है ना, मैं ऑब्वियसली ये चीज़ ले रहा था,
और मैं तो यही लूँगा क्योंकि मेरे को तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। इन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला है उसमें इसको 1 लाख की जगह 10,000 यूनिट से इसका सॉल्यूशन निकाला हुआ है, तभी इनका चार्ट बहुत ही अलग आ रहा था। इन्होंने इसको माना हुआ है कि वाई के 10,000 यूनिट सेल हुए हैं। मुझे कैसे बात पता चली मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अभी बहुत टाइम लगाया इस पे, तुम्हें तो दिख रहा होगा कि वीडियो एक सेकंड पॉज होकर प्ले होगी, बट आई टुक हाफ एन आवर टू अंडरस्टैंड कि मेरा इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। इतना डिफरेंस नहीं आ सकता कि मेरे को लग रहा था कि यार चार्ट तो मैंने चाहे बेयर हैंड से बनाया बट इतना भी डिफरेंस नहीं आ सकता। और इनका जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो इनका चार्ट आ रहा था 20 लाख तक मैक्सिमम, मेरा चार्ट जा रहा है 38 लाख तक टोटल रेवेन्यू। तो मैंने टोटल रेवेन्यू जब यहाँ से कैलकुलेट करा 50,000 × 16, 1 लाख × 20, 1 लाख × 10, तो 38 ही आ रहा है। इनका जब मैंने चेक करा एक्स का टोटल सेल आ रहा है 8 लाख, यानी 50,000 × 16 8 लाख सही है। वाई की सेल आ रही है इनकी 2 लाख, 2 लाख मतलब अब 2 लाख सेल कैसे होगी, 1 लाख × 2 या फिर 10,000 × 20। अभी 10,000 कैसे आया ये चीज़, जब मैंने नीचे इनका सॉल्यूशन देखा, यहाँ पे देखो इन्होंने बताया हुआ एक जगह पे आके, जब मैंने ब्रेक इवन ग्राफ का पढ़ा, फाइनली वी सेल 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई, कि वाई के 10,000 प्रोडक्ट सेल करेंगे। दैट मीन्स वाई का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज़ नॉट 1 लाख, दिस इज़ 10,000। मैंने आंसर निकाला है अपना 1 लाख से, तो टेक्निकली मेरा आंसर सही है, इनका इसका 10,000 से इन्होंने क्वेश्चन करा हुआ है। एक गलती जो मैंने करी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे से एक गड़बड़ हो गई। जो मैंने तुम्हें ये रैंकिंग बताई है, ये रैंकिंग खाली कॉन्ट्रीब्यूशन से नहीं होती, दिस रैंकिंग इज टेकन बाय कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। दैट मीन्स 11 / 16, तो 11/16, सो 11/16 × 100, सो ये आ रहा है 68.75% एक्स का। वाई का आ रहा है 5/20 × 100, दैट मीन्स 25% आ रहा है वाई का। जेड का आ रहा है 3/10 × 100, दैट मीन्स 30%। तो मैं एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ले गया था, लेकिन हमें कॉन्ट्रीब्यूशन सेल से टैली करनी पड़ती है, सेल वैल्यू का भी तो फ़र्क होता है ना। अब एक चीज़, 100 की चीज़, इसमें मेरे को कंट्रीब्यूशन है 3, ध्यान से सुनना, इसमें कंट्रीब्यूशन है मेरे को 5। एक 100 की चीज़ में बेचता हूँ, इसमें 5 रुपये कमाता हूँ। एक मैं 10 की चीज़ बेचता हूँ, उसमें 4 रुपये कमाता हूँ। मैंने क्या गलती करी, मैंने बोल दिया कंट्रीब्यूशन 5 वाली हम पहले बनाएंगे, बट दिस इज़ रॉन्ग। 100 की चीज़ में 5 का प्रॉफिट, दैट मीन्स प्रॉफिट मार्जिन कितना कम है। इससे बेटर तो मैं ये वाले बनाता हूँ ना, अगर ये वाले 100 बिकेंगे तो मेरे को 40 का प्रॉफिट होगा। इस वाले में जब मेरे को टोटल रेवेन्यू 100 का होगा, मुझे 40 का प्रॉफिट होगा, तो ये सिचुएशन इज़ बेटर। मैंने इन्होंने ठीक से एक जगह वहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था कि कैसे रेशियो लेंगे, तो मैंने उसको बेस मान लिया था, बट मैंने बहुत सोचा टेक्निकली, लेकिन अब फाइनली आई गॉट इट कि इन्होंने इसको नहीं कंसिडर किया। हम प्रॉफिट को सेल से रेशो निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, जो रेशोज़ में होती थी ना, जीपी रेशो एक तरह से, कि जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, वैसे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 हर आइटम की। यहाँ से हमें परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ से हमें निकल गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो पहले मैं फर्स्ट बनाऊँगा, देन मैं सेकेंड सेल करूँगा, देन मैं थर्ड सेल करूँगा। तो इस चार्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि पहले मैं फर्स्ट बनाऊँगा पूरा, ये बिल्कुल सही है यहाँ तक, फिर मैं बनाऊँगा जेड, मतलब जेड के यूनिट्स बनाऊंगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर मैं बनाऊंगा वाई के। कॉन्सेप्ट चार्ट को बनाने का सेम यही है, ये सब कुछ यही है। इन्होंने ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से टोटल में इनका और मेरे काफ़ी फ़र्क आ गया। इनका सॉल्यूशन भी जो सारा है बिल्कुल, अगर देखना चाहते हो देखना, बट टेक इट फ्रॉम 10,000 यूनिट्स। बच्चे गलती क्या करेंगे, वो 1 लाख से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर कहेंगे यार इनका तो आंसर ही कुछ और आ रहा है, हमारा मैच ही नहीं कर रहा, सेल भी अलग आ रही है। तो दिस वॉज द मिस्टेक दैट बुक हैज डन। तो सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होते हैं, तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंडिविजुअली निकाल के हम परसेंटेज वाइज, देन वी विल कंपेयर कि कौन सा प्रोडक्ट हमें पहले सेल करना है, और फिर उसके बाद ये तरीका जो है, दिस इज एब्सोल्युटली सेम जैसा मैंने बताया। किसी को कोई भी डाउट होगा, इस देखो एक चीज़, आई टुक लॉट ऑफ टाइम, मुझे 3 घंटे लग गए इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ा था।
बीच में पॉज करके पढ़ के और समझ के, तो इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, बट अब कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी हद तक क्लियर है. सो पॉइंट इज, जिस तरह से मैंने तुम्हें समझाया है, इफ़ यू आर ऑल्सो क्लियर कि हाँ क्या मैंने गलती करी और गलती को कैसे मैंने ठीक किया, क्या करना चाहिए था और इन्होंने क्या गलती करी थी, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई है देन वेरी गुड. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस, तो पहले अगर छोटा मोटा डाउट है तो यू कैन राइट इन द ग्रुप. अगर तुम्हें बड़ा डाउट है, यू आर सेइंग कि सर हमें ये चार्ट नहीं समझ आया, आप फिर एक बार एक क्वेश्चन दोबारा से पूरा प्रॉपर ग्राफ पे बना दो, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ. तुम्हारे लिए मैं सूली पे भी चढ़ जाऊँगा, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ. तुम मुझे बता देना, चाहे तुम अपना कमेंट्स में लिख देना, ईदर यू राइट दैट इन ग्रुप, ठीक है. बट आई कोशिश करना एटलीस्ट कि यहाँ से समझो. ऐसा ना हो कि बस तुमने सोचा कि सर ने बोला कोई बात नहीं, सर नहीं दोबारा कराओ मैं समझ नहीं आया, तुमने कोशिश भी नहीं करी जो मैंने करा समझने की, ठीक है. मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट करता हूँ मैं हर वीडियो में, गाइस आई इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. मैं तुम ये लगा लो एक वीडियो को बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि पहले मुझे 1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं उस पार्ट को पढ़ने में. हर वर्ड को मैं पढ़ता हूँ, हर लाइन को मैं पढ़ता हूँ, तभी मैं बताता हूँ कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है. उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, कॉन्सेप्ट बना के फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो में बनाते हुए भी बीच में ऑब्वियसली मैं भी कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, देन अगेन मुझे वो चीज़ पढ़नी पड़ती है. और एक वीडियो जो तुम्हें 1.5-2 घंटे की दिखती है, उसको कितनी लंबी बनती है, कितनी उसमें एडिटिंग होती है, तो काफ़ी चीज़ें हैं. तो अगर तुम बोलोगे आई कैन डू दैट एज वेल, लेकिन इसको अच्छे से समझना, क्वेश्चन खुद ट्राई करना एक बार 10,000 यूनिट से, ये चार्ट खुद अपनी कॉपी में 10,000 यूनिट से बना के ट्राई करना और देखना कि क्या ये बन पाता है या नहीं बन पाता, ठीक है. और आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू विल बी एबल टू मेक इट. चलो, बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.